हेलो व्यूअर्स, पीएचपी के लेक्चर नंबर 12 के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस लेक्चर नंबर 12 में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो व्यूअर्स, इससे पहले मैंने एरेज के बारे में लेक्चर्स बनाए हैं जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है एसोसिएटिव एरेज के बारे में। तो एसोसिएटिव एरे, सपोज मैंने यहाँ पे एक एसोसिएटिव एरे बनाई हुई है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जहाँ मैंने एक एसोसिएटिव एरे बनाई हुई है। तो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या है एसोसिएटिव एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे में, और मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो ये एसोसिएटिव एरे है, जैसे आपने पहले पढ़ा, एसोसिएटिव एरे में यहाँ राइट साइड से वैल्यू होता है और ये की होती है। तो ये आदिल जो है ये की है और ये वैल्यू जो है इसका 99, ये इसका वैल्यू है। यानी कि मैंने एक स्टूडेंट्स की डॉलर स्टूडेंट नाम की एक एरे बनाई है जिसमें मैंने पहला एलिमेंट आदिल लिखा है और ये की है जो है, पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट जो है इसका ये की है और उसका वैल्यू जो है वो 99 है। इसी तरह यूसुफ एक एलिमेंट है तो उसका वैल्यू है 98। इसी तरह मारिया एक की है, उसका वैल्यू है 100। वाहिद, इसका वैल्यू है 97। तो ये एसोसिएटिव एरे है। मगर आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स जो एरे है इसका मैं सपोज ये आदिल जो की है इसका जो वैल्यू है वो प्रिंट कराना है तो मुझे इस तरीके से लिखना पड़ता है यहाँ पे आदिल, मुझे स्टूडेंट्स की देनी पड़ती है, इस एरे की देनी पड़ती है, मतलब आदिल जो की है उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। देखिए आप इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ, देखिए अभी 99 दिखा रहा है। देखिए अभी मैं इसको आदिल नहीं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा मारिया। तो देखिए मारिया मैंने यहाँ पे सेव किया तो मारिया पे जो वैल्यू है 100 ये प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे मैं रन करता हूँ इसको तो 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे ये अभी हम एसोसिएटिव एरे रिवाइज थोड़ा बहुत कर रहे थे। तो देख लीजिए एसोसिएटिव एरे में क्या, और एसोसिएटिव एरे और जो मल्टी डायमेंशनल एरे है फर्क क्या है। इसमें खाली एक डायमेंशन है, मतलब ये जो की है हम इसका एक डायमेंशन देते हैं, मतलब ये ब्रैकेट्स में जो है ये डायमेंशन है एरे का, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करेंगे तो उसमें एक ही नहीं, उसमें 2, 3, 4 ऐसे, मतलब ऐसे हो सकते, जितने भी जितना हम चाहे उतने हम उसमें डायमेंशंस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 बनाए, इस तरह 5 बना सकते हैं, जितने हम चाहे उतने डायमेंशंस बना सकते हैं, इसीलिए उसका नाम है मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे जो है उसका जो यूज है, मल्टी डायमेंशनल एरे का जो एम है वो है ये है कि हम एरे के अंदर जो है एरे का यूज कर सकते हैं, एरे के अंदर एरे का यूज, एरे के अंदर एरे का यूज, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, ऐसे ही हम एक डेटा स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जो ये मैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे आदिल और वहीद नाम की एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाई है मैंने, तो इस चीज को हम फिलहाल कट करते हैं यहाँ पे आदिल। देखिए अब मुझे एरे के अंदर एरे बनानी है, अभी मेरे पास एरे थी उसके 2 एलिमेंट्स थे, आदिल या 4 एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे। तो अब मैं उन एलिमेंट्स के अंदर और एक एरे बनाऊंगा, तो मैं ये 99 फिलहाल यहाँ पे कट करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा और एक एरे 99 के बदले, वैल्यू के बदले। यानी कि पहले ये एसोसिएटिव थी, जब यहाँ पे 99 था तो ये एसोसिएटिव एरे थी। तो अब मैं इस 99 को यहाँ पे कट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एरे लिखता हूँ, तो अब ये एसोसिएटिव नहीं, अब ये मल्टी डायमेंशनल बनने वाली है। तो एरे लिखने से यहाँ पे ये मल्टी डायमेंशनल बनेगी। कैसे मैं इस आदिल के अंदर एक एरे बना रहा हूँ
जिसमें मैं लिखता हूँ इसकी एज 25, ठीक है, मार्क्स लिखता हूँ 98 सपोज, और इसका मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास, क्लास क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसको मैं कैरेक्टर इस इनमें रखता हूँ, कोट्स में रखता हूँ, तो एम सी ए सपोज। इसी तरह वहीद, वहीद भी यहाँ पे एक इस टाइम एक एलिमेंट है एरे का, और इस एलिमेंट के अंदर और एक एरे में बनाऊंगा, तो मैं सीधे एरे लिखूंगा, तो इस एरे के अंदर जो एरे बन गई, इस एरे में वहीद के अंदर जो एरे बन गई वहीद की, उसमें मैं पहले लिखूंगा फर्स्ट एलिमेंट पे उसकी एज 26, उसके बाद मार्क्स 100, और उसके बाद क्लास लिखूंगा सपोज, वो कोट्स में लिखनी पड़ेगी क्योंकि वो कैरेक्टर्स में है, तो एम बी ए सपोज में लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गई, ये हमारे पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गई। क्यों मल्टी डायमेंशनल एरे बन गई, देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ क्यों मल्टी डायमेंशनल एरे बन गई। यहाँ पे हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं प्रिंट आर, एक फंक्शन है प्रिंट अंडरस्कोर आर, जो हमें एरे का स्ट्रक्चर दिखाएगी क्या है। प्रिंट आर में स्टूडेंट, डॉलर स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, तो इसको अब रन करके देखते हैं। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे एरे है, मेन एरे जो है ये स्टूडेंट्स, तो एरे में जो है जो मेन एरे है उसमें है पहला एलिमेंट आदिल, यहाँ पे आदिल है उसका पहला एलिमेंट, और इसी तरह दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे आदिल है और दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे वहीद, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो इसी तरह पहले मेन एरे जो है वो डिक्लेयर हो रही है, और उसमें एरे के अंदर एलिमेंट्स डिक्लेयर हो रहे हैं, पहला एलिमेंट यहाँ है और दूसरा एलिमेंट यहाँ है। तो पहले एलिमेंट के अंदर क्या है, यहाँ पे हमने पहले एलिमेंट के अंदर आदिल, आदिल की एज, मार्क्स और उसका क्लास बताया हुआ है। तो एलिमेंट, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी एरे का एक इंडेक्स होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, तो ये जीरो है यहाँ पे, ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है, मतलब एरे के अंदर एड्रेस जो होता है। तो इसको हम इंडेक्स से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कीज से भी। फिलहाल हम इंडेक्स से इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कीज ने, हमने 25 को डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है, हमने इसको किसी की के साथ एसोसिएट नहीं किया है, तो हम इसका इंडेक्स यहाँ पे बता रही है। देखो देखिए यहाँ पे एरेज के अंदर एलिमेंट है आदिल, और आदिल के अंदर जो जीरो इंडेक्स है, आदिल के अंदर, आदिल जो एलिमेंट है उसके अंदर एरे डिक्लेयर हो रही है, जिस एरे में जीरो इंडेक्स पे 25 है, ठीक है, जिस एरे के अंदर जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे देखिए आप 25 है। इसी तरह फर्स्ट इंडेक्स पे है, फर्स्ट नंबर वन जो है इंडेक्स वन, एड्रेस जो है वन इंडेक्स जो है उस पर 98 है, यानी कि उसकी उसके मार्क्स जो है 98 है। सेकंड इंडेक्स पे उसका उसकी क्लास है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे एरे के अंदर और एक एरे आ रही है। इतना नहीं है कि हम खाली एरे के अंदर ये एक एरे लिख सकते, नहीं, इस एरे के अंदर भी हम और एक एरे बना सकते हैं, वो हम अभी बाद में देखते हैं, पहले हम इतना क्लियर कर रहे हैं पूरा। देखिए इसी तरह वहीद में भी एक एरे डिक्लेयर हो रही है जिसमें जीरो इंडेक्स पे उसकी एज 26 है, और फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी मार्क्स जो है वो डिक्लेयर हुए है, और सेकंड इंडेक्स पे उसका क्लास जो है वो डिक्लेयर हुआ है। तो हम इस चीज को अब जरा और इलाबरेट करके देखते हैं। अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट आर, हमने यानी कि इसका फ्लो देख लिया है, प्रिंट आर की वजह से ये जो ये यहाँ पे आउटपुट आ गया, ये इसी फंक्शन की वजह से आ रहा है, प्रिंट आर की वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम अभी पर्टिकुलर कोई इसमें प्रिंट करा रहे हैं, फिलहाल हम इसको कमेंट्स में डालेंगे। सपोज मुझे चाहिए, अभी मैं चाहता हूँ कि आदिल का जो क्लास है वो मिले मुझे, उसका वो प्रिंट हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इको
डॉलर स्टूडेंट्स, डॉलर स्टूडेंट्स में आपको देखिए यही फर्क है। पहले हम एक ही डायमेंशन बोल रहे थे इसको। सपोज पहला मैंने जो बोला था मारिया या वो या सपोज वहीद, तो हम यहाँ पे उसका नाम सपोज आदिल आदिल लिखते थे बस, तो उस पे जो आदिल के जो मार्क्स थे वो हमें आउटपुट में आ रहे थे। लेकिन अभी हमें आदिल पे देखना है उसका क्लास क्या है या उसके मार्क्स क्या है। तो हम पहले यहाँ पे पहला एलिमेंट लिखेंगे। पहला एलिमेंट जो है वो आदिल है। अब ये मल्टी डायमेंशनल कैसे बन गई, क्योंकि एक डायमेंशन हमारा आ गया आदिल और दूसरा डायमेंशन आदिल पे हमें क्या देखना है, अभी आदिल पे देखना है हमें आदिल की क्लास क्या है। तो आदिल की क्लास जो है वो यहाँ पे है। आदिल की क्लास जो है वो एम सी ए है यहाँ पे, यानी कि वो 0, 1, 2 यानी कि 2 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ये हो गया, ये जो ये कंसेप्ट है ये हो गया इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू हम इसको इसको एरे को ये एड्रेस कर रहे हैं। तो हम सेम इसको आगे कीज के जरिए भी हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको इंडेक्स के जरिए वी आर यूजिंग इंडेक्स दिस टाइम, मतलब हमने ये एड्रेस किया, यानी कि 2 जो है 2 इंडेक्स पे जो है इसकी क्लास जो है 2 इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, यानी कि आदिल पे जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। तो फिलहाल हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप आदिल की क्लास यहाँ पे प्रिंट होगी। इसी तरह हम यहाँ पे 2 के बदले हम यहाँ पे कोई और देखेंगे। हम यहाँ पे सपोज हमें आदिल की एज प्रिंट करानी है, तो हमें 0 इंडेक्स पे जाना है। तो हम इसको सेव करेंगे, तो इसकी एज जो है 25 वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए आप 25 प्रिंट हो गया। इसी तरह हमें अगर आदिल के हमें इसके मार्क्स देखने होंगे, तो मार्क्स तो 1 इंडेक्स पे है, तो हम इसको सेव करेंगे और इसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे आएंगे। इसी तरह हम सेम चीज वहीद का भी कर सकते हैं। सपोज वहीद के मार्क्स हमें देखने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वहीद, तो उसके मार्क्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। वहीद के मार्क्स जो है वो 100 है, तो हमें यहाँ पे 100 प्रिंट होना चाहिए। देखिए 100 प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे 100 आ गया। इसी तरह मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि हम इसको बाय न्यूमेरिक इंडेक्स से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और बाय कीज से भी। ये जो ये है यहाँ पे ये न्यूमेरिक इंडेक्स है, यानी कि 1, 0, 1, 2 जो भी है वो न्यूमेरिक है। तो हम इसको अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस न्यूमेरिक इंडेक्स हम इसको अब यहाँ पे सपोज की से हम इसको कॉल करेंगे, की से मतलब एक्सेस करेंगे। सपोज हम यहाँ उसके लिए क्या करना है हमें, यहाँ पे हम 25 जो है वो एक की में डालेंगे, क्योंकि 25 एज है, हम इसको यहाँ पे एज लिखेंगे। ये बन गई इसकी की, लेकिन इसको करना है ऐसे हमें, तो देख लीजिए। तो हम यहाँ पे इसको एज में डाला हमने, तो इसी तरह यहाँ पे इसको हम एसोसिएट करेंगे मार्क्स के साथ। की हम यहाँ पे इसको देंगे मार्क्स, ठीक है, तो मार्क्स यहाँ पे इसको एसोसिएट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसको एसोसिएट करना पड़ेगा क्लास के साथ, क्लास के साथ करेंगे। तो देख लीजिए आप इसमें क्या चेंजेस आएंगे, देख लीजिए एरर दिखाएगा। देखिए वन सेकंड, ये अभी वहीद है यहाँ पे। हम अगर इसको आदिल लिखेंगे, क्योंकि हमने वहीद में कोई चेंजेस नहीं किए अभी तक, तो आदिल लिखेंगे हम यहाँ पे। देखिए एरर दिखाएगा, देखिए इसने एरर दिखाया। क्यों एरर दिखाया, देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आदिल का जो आदिल एलिमेंट है उस पे जो फर्स्ट एड्रेस यानी कि मार्क्स है, हमने उसको फर्स्ट एड्रेस जो है हमने इसको न्यूमेरिक एड्रेस से यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिक एड्रेस यानी कि 1, लेकिन हमने इसको यहाँ पे
की एसोसिएट की, तो हमें इसको की से, हमें इस टाइम इसको की से बुलाना पड़ेगा, हमें इसको की से एक्सेस करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे मार्क्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सब ठीक दिखाएगा, देखिए अभी देखिए मार्क्स अभी 98 आ गया यहाँ पे, तो आदिल की जो मार्क्स है वो 98 है। अब देखिए आप यहाँ पे दो डायमेंशन का यूज हो गया, एक है आदिल और एक है मार्क्स, तब जाके ये रिजल्ट हमें मिला। इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, ये है कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल एरेज का। अगर हम चाहेंगे तो हम इसको फर्दर हम यहाँ पे एक एरे इसमें डाल सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्क्स जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के अलग से लिखेंगे और सेकंड सेमेस्टर के अलग से लिखेंगे। तो मार्क्स में भी हम और एक एरे डालेंगे जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो है उसके दो एड्रेस होंगे, मतलब दो इंडेक्स पे होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सेमेस्टर होंगे वो मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, इस 98 को यहाँ पे कट करेंगे, तो हम और एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम और एक एरे डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मार्क्स जो है यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स डालेंगे, लेकिन हम की के, हम न्यूमेरिक इस टाइम न्यूमेरिक नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि हमें इसमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर अलग से और सेकंड सेमेस्टर अलग से। अगर हम ऐसे जीरो पे लिखेंगे, जीरो इंडेक्स पे लिखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स खाली और सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, तो वो आइडेंटिफाई नहीं होगा ये मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर के है या सेकंड सेमेस्टर के है या थर्ड सेमेस्टर के है या फोर्थ किस सेमेस्टर के है। तो हम इसको साथ में लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे, छोड़िए ये फर्स्ट सेमेस्टर, हम सीधे लिखेंगे मार्क्स इन मैथ, ठीक है, मैथमेटिक्स के मार्क्स, या मैथ के बदले आप फर्स्ट सेमेस्टर भी लिख सकते हैं। मुझे ये, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, सपोज मैंने अभी मैथ्स का लिखा, तो यहाँ पे अब इन मैथ्स में जो वैल्यू है वो डालेंगे। सपोज इसने मैथ्स में लाए है 95 मार्क्स, इसी तरह कॉमा करके यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरा एलिमेंट मैथ्स के बगैर जो है वो लिखेंगे जावा। सपोज इसने जावा में जो मार्क्स जो अचीव किए हैं वो हम दूसरे एलिमेंट में डालेंगे, उसमें हम सपोज जावा में इसने लाए है 85, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी अभी ये थ्री डायमेंशनल, हम थ्री डायमेंशनल बना रहे हैं इसको। तो देखिए अभी अभी तक यहाँ पे था आदिल फर्स्ट डायमेंशन, और आदिल के अंदर हम हमें जाना है अब मार्क्स में, तो हम मार्क्स पे जा चुके हैं, और मार्क्स में हमें अब किस सब्जेक्ट के मार्क्स देखने हैं, सपोज हमें जावा के मार्क्स देखने हैं। हम यहाँ पे फिर से और एक, अब ये थ्री डायमेंशनल बन रही है, तो मल्टी डायमेंशनल का यही कंसेप्ट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जावा, ठीक है। तो देखिए अब हमारे जावा के जो मार्क्स थे वो प्रिंट होने चाहिए, तो हम यहाँ पे सेव करके यहाँ पे इसको रन करते हैं। जावा के मार्क्स 85 है तो 85 प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे भी जावा के मार्क्स जो है वो 85 है तो 85 प्रिंट हो गया। तीन डायमेंशनल्स का यूज किया। अगर हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम ये जावा ने, यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हमें, हमने जावा लिखा, तो हम यहाँ पे इसको की, यहाँ पे हम इसको जो है एक्सेस जो कर रहे हैं यूजिंग की कर रहे हैं, ये की का यूज हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर इंडेक्स यानी कि जो न्यूमेरिक इंडेक्स है, तो तब क्या करना है हमें, हमें ये जावा जावा और जो ये मैथ है हमें ये कट करना पड़ेगा, 95.85 लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा 85, तो हमें यहाँ पे जावा के बदले 1 लिखना है, क्योंकि 0 पे आएगा 95। तो इसी तरह हम इसको वहीद में भी ऐसे ही कर सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, वहीद में करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको, मैं आपको इसका फ्लो दिखा रहा हूँ। देखिए हमने ये प्रिंट आर लिखा यहाँ पे, फिलहाल मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। देख लीजिए अभी इसका रिजल्ट मैं आपको, देखिए आदिल यहाँ पे हमें दो एलिमेंट्स है, पहले पहले जब हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो पहले एरे में दो एलिमेंट्स है, एक तो है आदिल और है वहीद। वहीद के साथ हम छेड़ नहीं रहे हैं, उसका हम, उसका अभी न्यूमेरिक इंडेक्स में ही जा रहा है, तो जीरो इंडेक्स पे 26 है उसकी एज, यानी कि और
फर्स्ट इंडेक्स पे 100 है और सेकंड इंडेक्स पे जो है यानी कि उसका जो सब्जेक्ट है वो एमबीए है। तो आदिल के साथ हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो आदिल में पहले आता है उसकी उसका जो उसकी जो आदिल एलिमेंट की जो पहला हम एक एरे बना रहे हैं एरे के अंदर एरे, तो उस एरे में पहला जो एलिमेंट है वो एज है। ठीक है, तो एज हम सीधे उसको उसका हमने एज बनाया, एज को हमने की बनाया हुआ है, तो उसमें जो है वैल्यू है 25। तो मार्क्स को हमने फर्दर एक एरे वहां पे एसोसिएट की, मार्क्स के अंदर हमने फर्दर एक एरे डाली है जिस एरे में एक एलिमेंट है मैथ यानी कि की एलिमेंट और दूसरा की एलिमेंट जो है वो जावा है और उसके जो वैल्यूज है वो ये है। इसी तरह फिर तीसरा एलिमेंट है किसका, इस एरे का यानी कि आदिल का, आदिल में जो तीसरा एलिमेंट है वो है उसकी क्लास, आदिल का आदिल की जो क्लास है वो है एमसीए। मुझे लगता है आप समझ आ रहा होगा। अब हम इसको फर्दर एक यहाँ पे एक कीवर्ड हम कीवर्ड का यूज करेंगे। देखिए ये जो प्रिंट आर है इसको हम अभी अब इसको कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इसको यहाँ पे एक एचटीएमएल में एक कीवर्ड है एचटीएमएल में एक टैग है उसका यूज करते हैं इको। यहाँ पे ब्रेसेस में हम रखते हैं, यहाँ पे कोट्स में हम रखते हैं ये, तो यहाँ पे लिखते हैं प्री। ठीक है, तो इसी इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा इको प्री। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसमें आप पहले देख लीजिए पहले किस पहले कौन सा स्टाइल है इसमें। अब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करते ही ये ऐसे आ गया। मतलब देखिए एरे मेन एरे जो है उसमें है पहला एलिमेंट आदिल, दूसरा एलिमेंट वहीद। वहीद के साथ हम कुछ नहीं कर रहे, वो एज जो हमने पहले लिखा था वो, और वो न्यूमेरिक इंडेक्सेस थे। देखिए ये न्यूमेरिक इंडेक्स आ गया यहाँ पे इसको 0, 1, 2 न्यूमेरिक इंडेक्स। ठीक है, हम चाहते तो इसको न्यूमेरिक के बदले इसमें इसका हम देते की इंडेक्स, की से भी हम इसको एक्सेस करते, लेकिन हमने इसके साथ कुछ नहीं किया, हमने कीज का यूज यहाँ पे किया है ऊपर आदिल में। तो आदिल में जैसे जैसे यहाँ पे एज है इसकी 26, यहाँ पे 25, तो यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स है 0, हमने इसको यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स ने की से एक्सेस किया है, तो की का हमने नाम रखा है एज। तो मतलब क्या है मेरा, तो आदिल के अंदर और एक एरे बन जाती है और उस एरे में जो फर्स्ट इंडेक्स है फर्स्ट जो वहाँ पे एलिमेंट है वो एज बन जाता है जो इसका की बन जाता है 25 का। इसी तरह मार्क्स है दूसरा एलिमेंट और मार्क्स को हमने फर्दर वहां पे और एक एरे डाली है अंदर, मतलब इस मार्क्स एलिमेंट इस एरे के अंदर एक दो एलिमेंट है एज, तीन एलिमेंट है एज मार्क्स और क्लास, लेकिन मार्क्स के अंदर मार्क्स जो एलिमेंट है उसमें फर्दर हमने और एक एरे यहाँ पे जो है यहाँ पे डाली हुई है और उस एरे में जो फर्दर दो एलिमेंट्स डाले हुए हैं वो मैथमेटिक्स और जावा है और उनमें जो हमने वैल्यू एसोसिएट की है वो है 95 और 85। ठीक है, तो ये है मल्टी डायमेंशनल एरेज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने एक गलती की हुई है, यहाँ पे जो प्री हमने दिया हुआ है इसको हमने क्लोज करना है, तो इसको स्लैश के साथ हमें लिखना है, तो हम इसको सेव करेंगे। वैसे इसने एरर नहीं शो किया, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ये दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए इसमें कोई एरर नहीं आया हुआ था। तो चलिए आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप आगे आने वाले सभी लेक्चर्स अच्छे से समझ जाएँ। थैंक यू।